नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने ज़मीन यानी कि आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं या आपकी खुद की लैंड है तो उसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करें। अगर आप कहीं पे की कोई ज़मीन लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पे सही तरह से अंदाज़ा नहीं लगता ये ज़मीन कितनी है, जितनी आपको चाहिए उतनी ही है या कम या ज़्यादा है। तो आप क्या करते हैं, आप पटवारी को बुलाते हैं, फीता वहाँ मारते हैं, मगर काफ़ी टाइम के बाद भी आपको ये पता नहीं लग पाता और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप अगर अपनी ज़मीन यानी कि लैंड, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे वो प्लॉट हो, आप उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि उसका पूरा एरिया आप जानना चाहते हैं कितना है, तो आप अपने मोबाइल से ही वहाँ खड़े खड़े ही एक मिनट के अंदर आप पूरा डिटेल वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। एक छोटी सी ऐप यानी कि 15 से 20 एमबी की एक ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी होगी। ऐप का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, GPS फील्ड एरिया मेजर, अच्छी तरह से इसका लोगो देख लीजिए। आपको ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप के बारे में आपको मैं बता दूँ कि लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 5 मिलियन प्लस लोगों ने यह डाउनलोड की हुई है और 4.5 की रेटिंग है। इतने लोगों ने डाउनलोड की है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप है। आप एरिया इससे बिल्कुल अच्छी तरह से और बिल्कुल करेक्ट आप इससे मेजर कर पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स हैं एंड जो भी सर्वे वगैरह करते हैं वो ऐप्स का ही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे फीता वगैरह लेके नहीं जाते, तो इससे वो एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि जो भी एरिया रहता है उसका पूरा मेजर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा एंड जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पर एक ब्लू डॉट दिख रही है। ब्लू डॉट यानी कि आप वहाँ पे ब्लू डॉट पे अभी खड़े हो तो वहाँ का एरिया आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस का निशान दिख रहा है, इस पर आपको प्लस करते जाना है ताकि आप अपने उस एरिया तक पहुँच पाएँ। तो इसको आप प्लस करते रहिए एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर भी मैं अभी हूँ। तो अभी जो मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे काफ़ी मकान है। हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर लैंड चेक करनी है। तो इस ऐप का एक यही फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं आपको उस लोकेशन पे जाना है, आप घर बैठे भी उस लोकेशन की मेजर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट एरिया पता है, रोड वगैरह आपको पता है कि कौन सा किला है कहाँ पे वो लगता है उस एरिया के, तो आप आराम से इसमें ढूंढ सकते हैं और या फिर आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मकानों से घिरा हूँ, यहाँ पे आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मकान है तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा साथ में ही, जैसे कि एक यहाँ पे स्टेट हाईवे जैसे ये जा रहा है, ये आपको यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। तो ये जो लकीर दिख रही है स्टेट हाईवे है, इसके आसपास जो भी है पूरी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। अगर आप यहाँ पे कोई एकड़ या कोई ज़मीन या प्लॉट लेना चाहते हैं, सपोज़ आप ये वाला टुकड़ा आप लेना चाहते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, और आपको पता नहीं है कि इसका एरिया कितना है, तो आप इसको सही तरह से आप मेज़र कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, गूगल के नीचे प्लस का आपको एक जो निशान दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस एरिया POI खुल के सामने आ गया है। तो हम इसका पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं हमको डिस्टेंस या, और आपको फिर क्या करना है, मैनुअल मेजरिंग पे आपको क्लिक करना है। और अब आपको देखना है कि इसका फ्रंट कितना है। अगर हम इसका फ्रंट देखना चाहते हैं कि फ्रंट कितना, क्योंकि कुछ कंपनी फ्रंट या लंबाई चौड़ाई मांगती है, आप किसी को लीज पे देना चाहते हैं या खुद खरीदना चाहते हैं, सपोज़ आप कोई पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, तो आपको उसका एरिया का पता होना चाहिए कि कितना इसका एरिया फ्रंट है। तो आपको क्या करना है, इसके स्टार्टिंग में इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, तो स्टार्टिंग में इसको आपको क्लिक करना है एंड इसका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करना है। इसको मैन्युअली एक बार आप सेटअप कर लीजिए ताकि एग्जैक्ट आपके पास आ सके, लाइन टू लाइन आपको मिलानी है। ये इस साइड भी आप ये देख पा रहे हैं सही, बिल्कुल मिल चुका है ये। तो अब देखिए डिस्टेंस इसका हो चुका है 62 मीटर, यानी कि 62 मीटर इसका फ्रंट है, इसकी चौड़ाई है। एंड अगर आप इसकी लंबाई भी चेक करना चाहते हैं तो ऊपर से एक बार इसको कट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए एंड दोबारा से इस पर प्लस पे क्लिक कीजिए, डिस्टेंस देखिए, मैनुअल मेज़र कीजिए
एंड अब आप इसकी लंबाई देखना चाहते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और लास्ट में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसको मैन्युअली एक बार सेट कर दीजिए, लाइन से लाइन मिला दीजिए ताकि आपके पास एग्जैक्ट वो एरिया आ सके। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा सही तरह से कर दिया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 77 मीटर इसकी जो है लंबाई है यानी कि डेप्थ है। तो अब इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसमें कितना एरिया टोटल आता है। तो एक बार फिर इसको मैप के ऊपर जो कट है इसको कट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, फिर से प्लस पे आप क्लिक कीजिए। अब आप एरिया पे क्लिक कीजिए, मैनुअल मेजरिंग पे क्लिक कीजिए। अब आपके चारों इसके जो भी है यहाँ पर आप चार बिंदु लगा दीजिए क्लिक करके और यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए अब मैनुअली। ये देखिए ये पूरा इसको आपको सेट करना है, लाइन टू लाइन मिलनी चाहिए ताकि आपके पास एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है वो आ सके। तो अब देखिए मैंने इसको पूरा बिल्कुल सही सेट कर दिया है एंड यहाँ से थोड़ा सा रह गया तो पीछे से भी इसको आप थोड़ा क्लिक करके पीछे बिल्कुल कर दीजिए ताकि लाइन से लाइन मिल जाए, आपके पास पूरा एरिया आ जाए। एंड ये देखिए आगे से भी थोड़ा, अब देखिए बिल्कुल सही हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो उसका पूरा एरिया दिखाया जा रहा है 5546 यानी 5540 ये मीटर स्क्वेयर है। एक एकड़ में अगर आप देखते हैं तो 4000 स्क्वेयर मीटर कुछ होता है एंड ये एक एकड़ से ज़्यादा है तो इतना एरिया आपका होगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। इसमें कट करके आपको क्या करना होगा, थोड़ी सेटिंग करनी होगी। मैप है यहाँ पर, सेटिंग में आप जा सकते हैं जैसे कि ये खुल गया है एंड आप सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो एरिया में भी आप डिस्टेंस भी इसमें चेक कर सकते हैं किलोमीटर या मीटर में है या फिर एरिया यूनिट, मतलब इसमें मैंने भी स्क्वायर मीटर में कर रखा है क्योंकि एकड़ का जो अपन देखते हैं स्क्वायर मीटर में देखते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा है हेक्टेयर में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, किलोमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हो, तो जिसमें भी आपको सही लगे उसमें आप देख सकते हो। स्क्वायर मीटर में इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस ऐप की वजह से आप घर बैठे और अगर आपको लोकेशन पे जाना है तो वहाँ जाके भी आप बिना किसी की हेल्प से आप इस एरिया का अपना जो भी आप ख़रीदना चाह रहे हैं या आप किसी को लीज पे देना है या खुद लीज पे लेना है उसका पूरा जो भी है कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो बिना किसी की हेल्प से। तो आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही आपको फिर एक नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।